नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर, एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और अपन टॉपिक पे आते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसा कि दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि हो सकता है फेब में आपके रीट का एग्जाम हो जाए, बिल्कुल अभी चर्चा में बना हुआ है। इसीलिए अपन ज़्यादा टाइम खराब ना करके दो तीन दिन की क्लास है जो भी लग रही है ना, सब अपन जल्दी से भी, ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वैसे अपन धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलें, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा अपना। हो सकता है कोर्स भी ना हो, और अब शादियों का सीजन भी आने वाला है तो बहुत से बच्चे बिजी भी रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों सभी क्या करेंगे कि अपन टॉपिक वाइज करके और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा जैसा अभी तक आ रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलो नेक्स्ट, अपन बात कर रहे थे टॉपिक, आपको पता होगा यूनिट थर्ड की अपन बात कर रहे थे। कौन सी यूनिट की बात कर रहे थे दोस्तों? यूनिट थर्ड की अपन बात कर रहे थे। यूनिट थर्ड में अपना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि अपन पढ़ रहे थे। आपकी बुद्धि अपन पढ़ रहे थे, मेरी बुद्धि आप पढ़ रहे हो, सभी की बुद्धि आप जान जाओगे। किस दुनिया में तरह तरह के लोग आपको दिखाने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिनकी बुद्धि आपको किस तरह से काम करती है। आपको बोलता है बुद्धि मारी गई है तेरी, बुद्धि सरक गई क्या, बुद्धि खिसक रही है क्या, इस तरह के आप वर्ड यूज करते हो, आज पता चल जाएगा आपको बुद्धि क्या होती है। लेकिन एक बात लेके चलना कि प्रतिमान का जो सिद्धांत दिया था थॉमसन ने, और थॉमसन ने एक परिभाषा दी थी कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, सबसे बड़ा होता है समय। समय पर जो काम कर जाए वही बस बुद्धि होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी भी बात करेंगे अपन। अभी बात कर रहे हैं अपन बुद्धि के सिद्धांत। देखो, जो नए बच्चे जुड़े हैं ना उनको मैं बता दूं कि अपन यहाँ पर बुद्धि के बात कर रहे हैं। जो सभी नए बच्चे नए दोस्त जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी, पिछली वाली क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे थे, चार पांच बच्चे नए जुड़े थे, बिल्कुल आप रेगुलर बने रहिए। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो पहले से पढ़े हुए आप उनसे पूछ लेना। जैसे कि आपको अगर यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैटर क्या चल रहा है, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा समझ में आ रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। आपको कुछ चार पाँच दिन रेगुलर बने आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे बुद्धि के बारे में। बुद्धि में नए बच्चों को मैं बताता हूँ, मैंने बुद्धि मापन एक दिन की क्लास लगी थी जिसमें अपन ने बुद्धि मापन को कंप्लीट कर लिया था। एक दिन की क्लास लगी थी जिसमें मैंने बुद्धि परीक्षण की विधियां बताई थी आपको कि किस तरह से, जैसे व्यक्तित्व पढ़ाओ, मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, असत्तात्मक का सिद्धांत, और ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। फोर्थ नंबर का सिद्धांत आता है, सन से भी फोर्थ नंबर का सिद्धांत आता है। इसके पहले अपन ने बात करी थी स्पीयरमैन की सिद्धांत की, और स्पीयरमैन ने द्विखंड द्वितत्व का सिद्धांत जो दिया था उसी सिद्धांत को गलत बता दिया था किसने दोस्तों? थॉर्नडाइक ने, कि बुद्धि एक जही नहीं होती, बुद्धि के कोई दो कारक नहीं होते, कोई तीन कारक नहीं होते, कोई त्रिखंड नहीं होता, जबकि बुद्धि अतः है सभी क्षेत्र में बुद्धि होती है, सभी क्षेत्र में समान रूप से बुद्धि पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे बुद्धि काम आती है वैसे अपन बुद्धि का उपयोग करते हैं और उस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। यहां तक बात हो चुकी थी अपनी। मैंने आपको सबसे बड़ी बात आपको ये बताई थी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना, जैसे अभी तक मैंने जो सिद्धांत पूछे उसमें नाम आप भूलना नहीं है। एक खंड, एक तत्व, एक कारक, यही कंफ्यूज करते हैं और यही आपको सबसे ज्यादा डाउटफुल लगेंगे कि सर क्या हो रहा है। अभी ये सिद्धांत आया बुद्धि के बहुखंड, बहु तत्व, बहु कारक, मात्रा का सिद्धांत। एक और आएगा जो बहुआयामी सिद्धांत था, लेकिन आयामी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि छह सिद्धांत तो मैं मोटे रूप के बताऊंगा आपको, जो अपन जिनसे ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, जिनको अपन एक तरह से पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ सिद्धांत ऐसे आएंगे जिनको मैं आपको डायरेक्टली नाम लिखाऊंगा कि ये सिद्धांत था बुद्धि का और ये किसने दिया था, वो भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलते, अच्छा बुद्धि के सिद्धांत की बात कर रहे थे, बुद्धि में चलो, बुद्धि के बहुखंड, बहु तत्व, बहु कारक, मात्रा का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, असत्तात्मक का सिद्धांत। याद रखना है बालू का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, वहां पर क्या पाए जाते? स्पूत पाए जाते, बालू का स्पूत, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि होती है ये क्या है? बुद्धि है, संपूर्ण बुद्धि है, ठीक है। अब इसमें जो तत्व होते हैं कोई एक तत्व, कोई दो तत्व या तीन तत्व नहीं होते,
जैसे स्पीयरमैन बता रहे थे कि इनके कितने खंड होते हैं, तीन खंड होते हैं, एक खंड, दो खंड और ये तीन खंड हो गए, ये कौन बता रहे थे, स्पीयरमैन बता रहे थे। लेकिन थोंडाइक आ जाते हैं और थोंडाइक ये चीज गलत बता देते हैं। थोंडाइक क्या बताते हैं कि कोई तीन तत्व तीन खंड नहीं होते हैं, जबकि क्या होते हैं, बहुत सारे खंड होते हैं। अभी ये संख्या भी बताएंगे आपको बहुत सारे खंडों की, इन्होंने खंडों में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं बुद्धि में और उन्हीं का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बहुत सारे खंड है ना, ये किसकी तरह दिखेंगे, एक रेत के दानों के समान आपको नजर आ रहे होंगे, कि जैसे रेत के दाने आपको बिखरे नजर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे मुझे बताइए, देखिए आपको नहीं लग रहे क्या कि सर देखो रेत के दाने बिखर रहे हैं। अब रेत को क्या बोलते हैं, बालू भी बोलते हैं, नहीं बोलते क्या? अरे भाई जो आप राजस्थान के हो फिर भी अगर ये चीजें नहीं जानते हो तो फिर क्या जानते हो, नहीं नजर आ रहे कि आपको कि बालू के दाने हैं, जैसे बालू के दाने आ रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला, बालू के समान बताया। तो बालू का सिद्धांत क्या बता दिया थोर्नडाइक ने, ठीक है। सभी पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, मजा आपको पूरा आएगा, क्लास आपको अच्छी लगेगी। रीट की वैकेंसी बिल्कुल आने वाली, जल्दी से जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने काफी ज्यादा होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 3 महीने बहुत होते हैं रीट के लिए, एक सिलेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, थोर्नडाइक बोलते हैं कि बुद्धि में कोई भी सामान्य गुण नहीं पाए जाते, या सामान्य तत्व नहीं पाए जाते, बल्कि कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। कौन से तत्व पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, कोई सामान्य तत्व नहीं पाए जाते हैं। इन्होंने बोला, ये बोलते हैं कि जो बुद्धि होती है इसमें कोई भी एक सामान्य नहीं, जरूरी नहीं कि अपन सारे ही सामान्य गुण पाए जाते हो। अभी तक एक्सपेरिमेंट क्या बता रहे थे कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनमें सामान्य भी पाए जाते हैं, जो जनरली सभी में पाए जाते हैं, जैसे कहीं पर छोटी मोटी बुद्धि लगाना, जैसे नॉर्मल लगाना कि 2 दिन हो गए नहाए नहीं, तो क्या है इसमें कोई बुद्धि लगाए क्या उसने कि नहाना है, ये कोई सोचने वाली बात है कि नहाना है, भूख लग रही है बुद्धि लगा रहे हैं क्या, भूख लग रही है इसमें मेरे को खाना खाना है, ये कोई विशिष्ट बुद्धि में आता है, ये तो सामान्य चीजें ऐसी है जो अंदर से आपको फील होने लगेगा और वो चीज आप करने लग जाओगे, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगेगा। बुद्धि वो होती है जहाँ तार्किक चिंतन भी कर रहे हो, आप अमूर्त चिंतन भी कर रहे हो, तो वहां पर अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि आप लगा रहे हो औरों के अकॉर्डिंग ज्यादा, वो क्या होती है, विशिष्ट बुद्धि में आता है। सामान्य तत्व नहीं पाए जाते कि सभी तत्व क्या होते हैं, विशिष्ट तत्व होते हैं, और ये किसी के सत्ता में नहीं होते। विशिष्ट जो गुण होते हैं, ये जो तत्व होते हैं, ये किसी के सत्ता में नहीं होते हैं, यानी कि किसी के गुलाम, आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई सत्ता, कोई आदेश देकर आपसे काम नहीं करवाया जा रहा है, यहां पर आपसे गुलाम बनकर कोई काम नहीं करवाया जा रहा है, या फिर आपसे कोई कहकर ये काम नहीं करवाया जाता। आपको बिल्कुल आइडिया आया, लगाया आपने, दिमाग लगाया और आप सफल हो गए, आप अपनी एक साइकोलॉजी आपने ऐसी बनाई, आपने अपना जो सिस्टम है वो इस तरह से सेट कर रखा है कि आप एग्जाम पैटर्न इस तरह से आपने बना रखा है कि आप एग्जाम में पास हो रहे हो, इस तरह से ये बताते हैं। और वो जो सारे चीजें होती है वो सब विशिष्ट चीजें होती है, विशिष्ट बुद्धि लगाते हैं। मान लो कोई जनरली आपने 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम दिया, आपके कितने परसेंटेज बना, 60% बना, लेकिन जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और आप रीट का एग्जाम देते हो और आप क्वालिफाई हो जाते हो, लेकिन पहले क्या बोला था, 60% क्या क्वालिफाई करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हुआ नहीं कि नहीं हुआ ना, विशिष्ट बुद्धि लगाई थी उसने, वहां पर अपना एक मैनेजमेंट ही ऐसे बिठाया उसने कि वो सब आगे सफल होता जा रहा है। तो ये किसने बोला, थोर्नडाइक ने बोला कि सामान्य तत्व नहीं पाए जाते बल्कि सभी विशिष्ट तत्व होते हैं, और ये विशिष्ट तत्व जो होते हैं वो एक जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है, जितनी भी क्या होती है, मानसिक क्रियाएं होती है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती है, ये मानसिक क्रियाओं से ये विशिष्ट गुण क्या होते हैं, से संबंधित होते हैं। यानी कि जो भी आपके दिमाग में जो भी क्रिया करना है, अरे क्रिया करने का मतलब क्या है, नहीं क्या होता है मुझे आप बताइए, क्रिया करने का मतलब मानसिक में आपके थॉट बना, आपने कोई देखा आपके दिमाग में क्या बन गया, एक थॉट बन गया, आप बुद्धि लगाओगे उस चीज में आप सफल हो जाओगे, ऐसा ही है ना। मानसिक क्रिया मतलब जो मन से क्रिया, जो दिमाग से आप क्रिया कर रहे हो, मानसिक क्रिया कर रहे हो आप किसी भी चीज, अरे भाई कोई भी आप क्रिया करोगे तो मानसिक क्रिया ही तो करोगे, तो वो मानसिक क्रियाएं जितनी भी प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती है वो सब किससे संबंधित होती है, विशिष्ट तत्वों से संबंधित हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, ये थोर्नडाइक महोदय भाई साहब बोल रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला।
और ऐसा मैंने आपको बता दिया, और आप भी ऐसा एग्जाम में कर लेना। कोई ये नहीं पूछेगा सर ऐसे कैसे हो गया, ये कोई मैथ्स का ये साइंस का सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान तो है नहीं कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण था, सर इसको समझाओ गुरुत्वाकर्षण बताओ, यहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, पढ़ा दिए ये पढ़ा दिए ये पढ़ा दिए ये पढ़ा दिए, और मैं आपको भेज रहा हूँ, इंडियन एजुकेशन है पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा ये अपना स्टैंडर्ड। चलो तो समझ में आ रहा ना सभी को, ये इतना सा मैटर है। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि आपको ध्यान रखना है, असत्तात्मक का सिद्धांत किसने दिया था, थोंडाइक ने। बालू का सिद्धांत किसने दिया था, थोंडाइक ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुखंड जरूर आप याद रखें, बहुखंड और बहु, ये बहु मत बोलना, ये आपके घर की बहु मत बोलना, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। चलो पहले स्क्रीनशॉट मत लीजिए, एक और चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, थोंडाइक ने दिया था। थोंडाइक का सिद्धांत क्या होता है आपको पता होगा, कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, उद्दीपक, अनुक्रिया का सिद्धांत। आपको एक बात बताऊं मैं, सबसे अच्छी बात कि थोंडाइक जहां जहां आते हैं ना वो अपने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को जरूर बीच में लाते हैं, कोई भी चीज अपनी बोलेंगे जरूर उसमें बीच में क्या फंसा देंगे, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया उसमें क्या बीच में फंसा देंगे, और क्या बोलेंगे कि जो भी क्रिया हो रही है उद्दीपक अनुक्रिया से हो रही है, जो भी काम हो रहा है उद्दीपक अनुक्रिया से हो रहा है, जो भी हो रहा है उद्दीपक अनुक्रिया से हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है उद्दीपक अनुक्रिया से हो रहा है। थोंडाइक ने क्या बोल दिया यहाँ पर, इस बुद्धि के सिद्धांत में भी क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत से कार्य कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मान लो कोई भी एनवायरमेंट देखा आपने, किसी भी वातावरण में कोई भी चीज देखी, ये सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगा नहीं लेकिन बोल जरूर रहा हूँ, आप लिख लेना अगर लिखना चाहते हो तो, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पर है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं ना तो मैं आपको जरूर लिखाता ये सारी चीजें, लेकिन आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, मुझे बस देख रहे हो, पूछ रहे हो, इसके लिए कमेंट कर रहे हो, या फिर यहाँ पर लिख रहे हो और इस तरह से अपन बात कर रहे हैं। जितना कम होगा अपन लिखाने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा होगा लिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होगी जो मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। तो थोंडाइक ने बोला कि क्या बोला इन्होंने, क्या बोला कि जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये सिद्धांत भी उसी पर कार्य करता है, कि जैसे मान लो कोई एनवायरमेंट है, कोई वातावरण में किसी भी चीज को इन्होंने देखा, क्या देखा, जैसे अपन एग्जांपल की वातावरण ही मान लो, आप तो वातावरण की बात करो, वातावरण में कोई भी चीज इनको दिखाई दी और उसके प्रति ये क्या करेंगे, अब अनुक्रिया करेंगे, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे एनवायरमेंट से ये चाहिए, मुझे जीवन से ये चाहिए, मुझे इस संसार से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस मुझे चाहिए, वो क्या हो गया उद्दीपक। अब उस चाहिए के चक्कर में वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा कि मुझे ये करना है तभी मैं इसको चाह सकता हूँ, मुझे ये करना है तभी मैं इसको पा सकता हूँ, मुझे ये करना है तभी मैं इसको मिल ये मुझे मिल सकती है, मुझे ये करना है तभी मुझे ये प्राप्त हो सकता है, इसके लिए क्या करेगा वो अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया ही क्या कहलाती, अनुक्रिया कहलाती। उद्दीपक क्या होता है, कोई भी चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो वो क्या होती है, उद्दीपक होती है। आपके सामने एक उपहार, एक गिफ्ट के रूप में कार्य करता है उद्दीपक। पापा ने बोला कि बेटा अगर 90% मार्क्स आ जाएंगे तो मैं तेरे को स्कूटी दिलाऊंगी, स्कूटी दिलाऊंगा, लड़की को बोले पापा। लड़की ने पढ़ाई करी, किसको देख के करी, स्कूटी को देख के करी, स्कूटी को देख के उसके मन में क्या है, क्रिया करने की इच्छा हुई, और वो क्या कर रही जा रही है, अनुक्रिया करती जा रही है। पापा ने बोला था स्कूटी दिलाएंगे पापा, सोने की चेन दिलाएंगे, तो वो बस ये हो गया उद्दीपक अनुक्रिया। वातावरण में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। और वो जो अनुक्रिया कहलाती है ना उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ऐसा कौन बोलते हैं, ये थोंडाइक भाई साहब बोलते हैं। इन्होंने बोल दिया, मैंने पढ़ा दिया, आपको बता दिया। तो ये होता है ये सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इतना सा लिखा दिया, आगे आपको ध्यान रखना, इस सिद्धांत पर कार्य करता है कौन सा सिद्धांत, बहुखंड, बहुकारक, बहुतत्व और बालू का सिद्धांत इस तत्व पर कार्य करता है, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ छोटी सी चीजें मैं आपको वो भी बता देता हूँ, फिर ये सिद्धांत फिनिश हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। तो इन्होंने क्या बोला कि ये सिद्धांत जो है वो उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, और कुछ तत्व होते हैं जिन पर ये कार्य करता है। अब थोंडाइक ने क्या है, कुछ तत्व बताए थे, कितने तत्व बताए थे, 6 तत्व सक्रिय होते हैं, कितने तत्व थोंडाइक के अनुसार, बुद्धि में जो है 6 तत्व सक्रिय होते हैं, बहु तत्व, बहुकारक,
मात्रा का सिद्धांत। देखो तत्व तो बहुत सारे पाए जाते हैं, वो जो चित्र बनाया उसमें छह तत्व नहीं थे, छह तत्व होते तो मैं छह बिंदिया लगा देता, छह बालू का स्पूत लगा देता, पर मेन रूप से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कितने तत्व सक्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा जो उनकी मदद से सफल होते हैं वो कितने तत्व बताए इन्होंने थॉर्नडाइक ने, मुख्य रूप से छह तत्व बताए, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ, कितने तत्व बताए, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, कौन कौन से तत्व बताए, पहला आंकिक योग्यता, आंकिक योग्यता यानी कि अंक वाली योग्यता, ऐसी योग्यता होनी चाहिए तभी वो क्या होगा, सफल होगा। इसके बाद आगा सफल योग्यता यानी कि शाब्दिक योग्यता, यानी कि पत्रकार होना चाहिए, कवि होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का जो इतिहासकार होते हैं वो शाब्दिक योग्यता के आधार पर इतिहास बनते हैं, या फिर हिंदी का टीचर बनता है उसको शब्दों का ज्ञान था, तो ये चीजें होनी चाहिए तभी आप सफल होंगे। इसके बाद तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता क्या होती है, तर्क के आधार पर कोई बात करना, तर्क के आधार पर कोई फालतू लोग तो बात करते नहीं है, कौन बात करते हैं, वैज्ञानिक को देखना, तर्क लेके चलते हैं पहले ही, कोई भी बात बोलेंगे ना उनसे पूछोगे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, इतने में तो वो प्रूफ निकाल के दे देंगे कि ये लो मैंने बोल दिया, तुम्हारी तरफ फालतू बात नहीं करता, मैं बैठ के पंचायत नहीं बिठाता यहाँ पर किसी के सामने, जो भी बात करूंगा तर्क के सामने करूंगा, कौन करेगा, गणितज्ञ करेंगे, गणितज्ञ से बोल देना एक बात, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ये कौन सा संभाव्य त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, इस तरह की त्रिभुज कहलाते हैं, ये वर्ग होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, हर कोण है ना 90 डिग्री का होता है, कैसे होता है, इतने में तो वो प्रूफ निकाल के बता देंगे गणितज्ञ, इसीलिए वो तार्किक बात करेंगे, तर्क के आधार पर बात करेंगे, ये होती है तार्किक योग्यता। समझ में आया ना, आंकिक योग्यता अंक वाली योग्यता, शाब्दिक योग्यता शब्दों का ज्ञान जिसे होता है, पत्रकार ले लो आप, अंक कवि को ले लो, शब्दों का ज्ञान होता है, ऐसे ही नहीं, बहुत से बच्चे बोलते हैं शायरी तो मैं ही फेंक दूं ना, लेकिन मैच ही नहीं करती, एक शायरी तो इधर से ये बोली और दूसरी शायरी बीच में पटक दी, शब्द ही नहीं मिल रहे, लिरिक्स ही नहीं मिल रहे, बोल ही नहीं मिल रहे उसके तो गायक। समझ में आया, जिसको शब्दों का ज्ञान होता है कौन सा शब्द किसके बाद आना चाहिए, किसके पहले आना चाहिए, कहाँ पर किस वर्ड, किस वर्ड का अपन यूज करते हैं, इसकी योग्यता जरूर होना चाहिए, इसके आधार पर ही व्यक्ति क्या होता है, सफल बनता चला जाता है। तो ये किसने बताया था, किसने बताया, थॉर्नडाइक ने। एक होता है इस फोर्थ नंबर पे स्मृति, यानी कि उसकी जो स्मृति सोचने की क्षमता होती है वो अच्छी होनी चाहिए, याद होना चाहिए, किसी भी चीज को करो तो उसको याद होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दिशा, दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दिशा का ज्ञान का मतलब ये है कि ये दिशा है, ठीक है, इस दिशा का ज्ञान होना चाहिए, आप यहां पर बैठे हो, यहाँ बैठे हो आप, कहाँ पर बैठे हो, ये आपका स्टडी रूम है, यहाँ पर आप बैठे हो, ये क्या है, रीट है, यहाँ पर क्या है, रीट है, किस तरह से जाओगे आप रीट को सफल बनाने के लिए, मुझे बताइए, इस तरह से जाओगे, जाओगे ना इस तरह से, दिशा का ज्ञान है आपको तभी तो रीट, यहाँ तक आप ऐसे जा रहे हो, मुझे बताइए कोई व्यक्ति रीट को जाने के लिए ऐसे जाता है, ऐसे जाऊँगा मैं तो, पहले मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ, फिर इधर भी जाऊँगा, फिर इधर भी जाऊंगा, फिर इधर भी जाऊंगा, फिर इधर भी जाऊंगा, फिर मैं तो वापस भी आऊंगा, मैं तो क्या करूंगा, वापस भी आऊंगा, फिर मैं तो ऐसे जाऊंगा, फिर मैं तो ऐसे जाऊंगा, फिर मैं तो ऐसे घूमूंगा, फिर इधर भी जाऊंगा, फिर इधर भी जाऊंगा, फिर इधर भी जाऊंगा, और फिर जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, रीट पे नहीं जाऊंगा पर मैं, फिर इधर जाऊंगा, फिर किसी ने कहा रीट पे तो जा, ले रीट पे आ गया। मुझे बताइए कि ये सफल हो पाएगा कि इस तरह से दिशा में जाने के लिए, सबसे अच्छी रीट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सीधे डायरेक्शन पे जाइएगा और रीट प्राप्त कर लेगा, वही रीट का सिलेक्शन निकालेगा। कोई व्यक्ति बस ऐसे सोच लेगा मैं तो इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, फिर इधर भी घूमूंगा, यहाँ कचोरी है, यहाँ ताजमहल भी आता है, ताजमहल भी देखूंगा, इसके बाद है ना लाल किला भी बीच में आ जाता है, लाल किला भी देखूंगा पहले, फिर उसके बाद है ना एक स्कूल भी आ जाता है, बड़ा सा स्कूल भी देखूंगा, वहां भी आऊंगा, फिर दोस्त का रूम आ जाता है, दोस्त के रूम पे भी दो तीन घंटे दो तीन दिन रुकूंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर इसके बाद है ना मैं इधर गाजियाबाद भी चला गया, गाजियाबाद भी देख लिया मैंने,
और फिर रीट, हाँ रीट आ रही थी, रीट भी देख ली मैंने। फिर यहाँ पे रीट के, चलो रीट की कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं अपन, और रीट पास हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा क्या पास? अरे ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, तो वो नहीं हो पाता है। फिर इसको दिशा का, सही डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज में आप सफल होना चाहते हो ना, तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। स्मृति, थॉट बहुत अच्छे बनने चाहिए, स्मृति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज एक चीज पढ़ ली, एग्जाम में याद ही नहीं आया, क्या मतलब है इस चीज का पढ़ने का? फिर क्या मतलब इस रहेगा उस चीज का? नहीं रहेगा ना कुछ भी, मतलब नहीं रह पाएगा। तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको सही डायरेक्शन, वहां दिशा पढ़ाई जाती है। वो दिशा पढ़ाओगे, दिशा का ज्ञान जहाँ हो जाता है ना, वहीं पर क्वेश्चन राइट हो जाता है। सही डायरेक्शन का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप सफल होना चाहते हो तो। अगर आप फालतू के डायरेक्शन पर ध्यान देके फिर अपना लक्ष्य पकड़ोगे तो आप नहीं सफल हो पाओगे। सही दिशा पे जा रहे हो, सही आपको गाइडेंस करने वाले मिल रहे हैं ना, तो आप सही दिशा पे जा रहे हो और सही आप सफल हो पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है 6 नंबर पे भाषा। ठीक है, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। कैसे जरूरी होता है? इंडिया के लोग मुझे बताइए कि विदेश में जाके क्यों काम करना चाहते हैं, अच्छे पैकेज के लिए? क्योंकि इंडिया में उनको अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता, इसलिए कि वहां पर इंग्लिश बोल पाता है इसीलिए उसको अच्छा पैकेज मिल पाता है? नहीं, वो बस अपनी अंदर की जो क्वालिटी है ना, वहां जाके उसकी क्वालिटी की कदर हो रही है, इसीलिए वो वहां जाके क्वालिटी को अपनी दिखा रहा है सभी के सामने कि हाँ मेरे अंदर ये चीजें हैं और मैं आपको देखो, क्योंकि मेरा कदर यहीं पर हो रहा है। हो सकता है वहां पर काम करना चाहता, हो सकता है ये भी हो सकता है कि उसको अच्छा पैकेज वहां मिल पाता हो। भारत के लोग उनको अच्छा पैकेज नहीं, इतनी बड़ी सी कंपनी यहाँ पर हो नहीं तो उसका अच्छा पैकेज दे सके। बात करते हैं अपन, भाषा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो कहीं भी क्षेत्र में आप जाओ तो भाषा की वजह से बहुत प्रॉब्लम आपको सहन करनी पड़ती है, अगर आपको भाषा की नॉलेज है तो। इसीलिए तो अभी लॉकडाउन लगा था ना, तो एक स्टेटमेंट आया था मंत्री जी का, तो उन्होंने बताया था कि आप फालतू मोबाइल चला रहे हो ना, इससे अच्छा है कि आप नई भाषा सीख लीजिए। 2 महीने काफी होते हैं किसी भी चीज के छोटे मोटे वर्ड सीखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ट्राई किया होगा कि यार इंग्लिश के 2-4 वर्ड ही सीख लेते हैं अपन, आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कहीं कोई कस्टमर आते हैं, कोई कोई शॉपकीपर है, तो उसको वहां पर कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, तो उसको किस तरह से बात करनी चाहिए, 2-3 वर्ड ऐसे सीख लेते हैं अपन। कुछ लाइफ में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल आपसे वही पूछे जाते हैं जो आपको दिखा। जब आप बुक लेके आओगे ना एक स्पोकन की, तो आपको वहीं पर वो वर्ड ऐसे मिलेंगे जब आप उनको देखोगे ना, तो कि डेली यूज के हैं, वो बिल्कुल डेली यूज होते हैं। नहाना को क्या बोलते हैं? खाना को कहते हैं मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता ही नहीं है, अभी तो कुछ जानते ही नहीं है, तो इन वर्ड को सीख लेते हैं आप तो अच्छा रहता है ना। तो भाषा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं आप इंडिया में काम कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी बनी कि आपको विदेश में जाना पड़ जाए, लेकिन आती ही नहीं है इंग्लिश, तो इतनी भी नहीं आती। मैं ये नहीं कहता कि आपको भरपूर इंग्लिश आनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप जिंदा रह सको। जिंदा रहने के लिए एक क्षण मात्र ही काफी होता है हर चीज। ठीक है, तो इतनी सी आ जाए कि आप विदेश में जाके काम कर सको, वो चीज आप वहां पर लगा सको अपना माइंड और आप अच्छे से कर सको, इसीलिए भाषा के नॉलेज होना चाहिए। तो ये थोर्नडाइक ने बताया मुख्य रूप से सक्रिय होने चाहिए, ये 6 चीजें, 6 खंड इन्होंने बताए थे, और इनके आधार पर ये बताते हैं कि ये 6 चीजें काफी होती है सफल होने के लिए। आदमी अपनी बुद्धि जो है इन 6 की वजह से लगाता था और सफल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही? सभी को क्लियरली समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में? आज मजा आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये होते हैं किसका? थोर्नडाइक का सिद्धांत। थोर्नडाइक ने किसका विरोध किया था? स्पीयरमैन का। तो स्पीयरमैन इसका क्या करेगी? पूजा करेगा क्या? नहीं करेगा। वो भी क्या करेगा? विरोध करेगा। चला तो तुम्हारा सिद्धांत कौन बोला? स्पीयरमैन। लिखा देता हूं, विरोध किया किसने? किया स्पीयरमैन ने। किसने किया मेरे भाइयों? स्पीयरमैन ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से जल्दी, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया सभी को। 4th नंबर का सिद्धांत बात कर लेते हैं, 5 नंबर का सिद्धांत, 2 सिद्धांत आज कंप्लीट कर लेंगे अपन। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बस समझा रहे हैं मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, मैं इतना सा जानता हूँ कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल क्लियर कर लो, बस इतनी सी मैं आपको समझा सकता हूँ।
इतना सा मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, 5 नंबर के सिद्धांत की। उस सिद्धांत का नाम मैं देख के लिखा देता हूँ, बुद्धि का समूह खंड। बुद्धि का समूह खंड बुद्धि का समूह खंड समूह तत्व समूह कारक समूह खंड समूह तत्व समूह कारक प्राथमिक मानसिक, ये सब अलग अलग नाम है, प्राथमिक मानसिक प्राथमिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। प्राथमिक इधर ही लिख देता हूं, प्राथमिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। बहुमानसिक, एक और नाम है इसका, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। देख के लिखा रहा हूं, कोई डरने वाली बात नहीं है, नाम ही इतने सारे हैं, बहुमानसिक, लेकिन समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। ठीक है, ये इतने सारे नाम है इसके सिद्धांत के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको मैं बताऊं आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो याद रखना है समूह खंड का सिद्धांत। क्यों याद रखना है? क्योंकि बहुआयामी और समूह कारक तो ये मैच करते हैं बहुत सारे, समूह से भी एक और सिद्धांत आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना। मैं तो ये कहता हूं कि आपको नाम कंटेस्ट होने चाहिए, बस नाम कंफ्यूज, नाम से मैं अभी भी बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो नाम से आ जाएगा, बिल्कुल आप गलत मत कर देना उस चीज को। ठीक है, किसने दिया था ये? थर्स्टन और केली, थर्स्टन एवं केली ने ये सिद्धांत दिया था। ये कहां के थे? अमेरिका के, अमेरिका के निवासी थे। और कहां पर पढ़े थे? शिकागो, सॉरी कहां पर पढ़ाते थे? शिकागो विश्व विद्यालय के प्रोफेसर थे ये। कहां के प्रोफेसर थे? अमेरिका में, शिकागो विश्वविद्यालय के क्या थे ये? प्रोफेसर थे, थर्स्टन एवं केली, ठीक है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत दिया था उससे पहले कौन सा सिद्धांत था? एक तो स्पीयरमैन का सिद्धांत जिंदा था, स्पीयरमैन व थार्नडाइक का सिद्धांत था, अभी पढ़ाया मैंने थार्नडाइक का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत मौजूद है। तो ये जो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है यह सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है। किसने दिया था यह सिद्धांत? थर्स्टन व केली ने, ठीक है, थर्स्टन एम केली ने। थर्स्टन एवं केली ने यह सिद्धांत दिया था, और जो सिद्धांत दिया था इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि स्पीयरमैन की कुछ बातें कॉपी कर ली और थॉर्नडाइक की कुछ बातें कॉपी कर ली, दोनों की सुनी, अच्छा अच्छा ठीक है, तेरी बात भी सुनता हूँ, दोनों को नाराज नहीं करूंगा, तो दोनों की कॉपी कर ली, दोनों से ही कुछ चीजें इधर से ले ली, कुछ चीजें इधर से ले ली, और अपना सिद्धांत दे दिया। अपना सिद्धांत क्या दिया? प्राथमिक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, बुद्धि का समूह, तभी तो समूह बोला। समूह क्या होता है? एक प्लस एक बराबर क्या होता है? दो। दो क्या है? एक प्लस एक का समूह है, इसको ही समूह बोलते हैं। समूह का मतलब झुंड, कोई चीज मिलके, एक होती है वो इकाई कहलाता है, दो होता है तो समूह हो जाता है वो, ठीक है। तो समूह तत्व समूह कारक का सिद्धांत, कौन कौन से समूह थे? स्पीयरमैन की चीजें और थॉर्नडाइक की चीजें, इन दोनों की चीजें मिक्स करी और समूह कहलाती है, इसीलिए अपना नाम भी नहीं दिया इन्होंने, और क्या दे दिया? समूह तत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत इन दोनों सिद्धांतों के बीच का सिद्धांत है। थर्स्टन एम केली ने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। और अपनी पुस्तक आई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, पुस्तक थी इनकी प्राइमरी मेंटल
एबिलिटी, ये क्या थी, इनकी पुस्तक थी। इस पुस्तक में यह सिद्धांत दिया, क्या दिया, इस पुस्तक में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थर्स्टम एम केली ने। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बोलता हूं कुछ बोलना है मुझे। ठीक है, तो यह सिद्धांत दिया। अब इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, देखो एक्सपेरिमेंट तो क्या बोलते हैं कि जो बुद्धि होती है उसमें कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं और कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। रिजेक्ट कर दिया, फिर इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि कुछ सामान्य तत्व पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं और कोई समूह वाले तत्व भी पाए जाते हैं। इतने में थॉर्नडाइक भाई साहब आ गए, गलत बता दिया, कोई समूह तत्व नहीं पाए जाते, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब थर्स्टन केली ने अपनी पुस्तक निकाल दी। कौन सी पुस्तक निकाल दी? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक निकाल दी और बीच का सिद्धांत दे दिया। इन दोनों को सिद्धांत को पढ़कर क्या बोला, इन्होंने बोला कि बुद्धि में कुछ सामान्य तत्व भी पाए जाते हैं। किसकी बात रख ली? एक्सपेरिमेंट की बात रख ली। लेकिन इन्होंने क्या बोला थर्स्टन केली ने कि सामान्य तत्व के साथ साथ बहुत सारी मात्रा में, क्या बोला, बहुत सारी मात्रा में एक विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। सामान्य तत्व तो पाए जाते हैं, ये गलत है। थॉर्नडाइक भाई साहब गलत बोल रहे हैं कि सामान्य तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये तो किसने बोला था? थॉर्नडाइक ने। लेकिन थर्स्टन केली क्या बोलते हैं कि बहुत सारी मात्रा में जो है क्या पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा में विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं और इन विशिष्ट तत्वों की मात्रा से ही आइडियाज आते हैं और वो अपने लाइफ में क्या होता चला जाता है, सफल होता चला जाता है। और वैसे ही जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था, कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, खंड होते हैं जो सक्रिय होते हैं और वो इन्होंने बता दिए कि कुछ 7 या 6-7 तत्व होते हैं वो सक्रिय होते हैं सबसे ज्यादा और वो बुद्धि में पाए जाते हैं, विशिष्ट तत्व के रूप में कार्य करते हैं और समस्त जो भी मानसिक क्रियाएं होती है ना वो भी किसकी तरह काम करती है, इस बुद्धि में जो है विशिष्ट गुणों की तरह कार्य करती है या विशिष्ट तत्व के रूप में कार्य करती है। सभी मानसिक क्रियाएं इसी से संबंधित कार्य करती है। जो भी मानसिक क्रियाएं होती है, जो भी आप मानसिक क्रिया करोगे या मानसिक में जो भी क्रिया करते चले जाओगे वो सब विशिष्ट क्रिया कहलाएगी, उसके अंदर आती है। जैसे थॉर्नडाइक ने बोला ना वैसे क्रिस्टन और थर्स्टन और केली ने बोल दिया। सिर्फ एक्सपेरिमेंट की क्या बात रख ली कि सामान्य तत्व भी पाए जाते हैं, इनको पढ़कर इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, लिखाने की जरूरत है कि मुझे ये चीजें? नहीं लिखाने की जरूरत, नहीं लिखाऊंगा, लिखाऊंगा भी नहीं। मैंने बोल दिया है, इतनी से मेहनत आप करो कि मैंने जो बोला है वो आप लिखो, वो आप रिकॉर्ड करो, दिमाग में बिठाओ। एक बार दिमाग में बिठा लोगे तो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने बोला? किसने बोला? थर्स्टन एम केली ने। समझ में आया सभी को? सभी को सिद्धांत समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है? कोई डाउट है अगर तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। क्लास में मजा आ रहा है तो भी आप तालियां बजाते ना छोड़े, तालियां बजाया करें, मजा आता है देखने वालों को, पढ़ाने वालों को भी। ठीक है, चलो, तो कुछ स्पेशल तत्व होते हैं, कोई सक्रिय होते हैं तो उनकी बात अपन कर लेते हैं। जैसे मैंने वहां 6 तत्वों की बात करी ना, वहां पर भी ऐसे ही 7 तत्वों की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर अपन 7 तत्वों की बात कर लेंगे। ठीक है, चलो, ये बात होती है किसकी? थर्स्टन एम केली की। 7 तत्व मैं आपको लिखा देता हूं और आप याद कर लेना उनको। मतलब मैंने बहुत से तत्वों का बता दिया है, जैसे पहला बताया था मैंने आंकिक योग्यता। पहले लिखा देता हूं कि कुल 7 मानसिक योग्यता पाई जाती है, कुल 7 मानसिक योग्यता भी बोल सकते हो आप इनको, मानसिक योग्यता पाई जाती है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। पहले नंबर पर वही आंकिक योग्यता, दूसरे पर वही शाब्दिक योग्यता, इन्होंने भी ऐसे ही रखा क्योंकि थॉर्नडाइक को रखना था साथ में शाब्दिक योग्यता। तीसरे नंबर पर वही शब्द वाली आंकिक योग्य, शाब्दिक योग्य, तार्किक योग्यता। वही जैसे थॉर्नडाइक ने लिखी थी ना वैसी योग्यता है। ठीक है, स्थानीय योग्यता 4th नंबर पे, स्थानीय
स्थानिक भी बोलते हैं इसको, स्थानिक योग्यता। स्थानिक योग्यता में जैसे ये पायलट लोग बनते हैं ना, ये स्थानिक योग्यता होती है इनके पास, तो ये क्या बनते हैं, पायलट वगैरह बनते हैं बाद में। ठीक है, इसके बाद शब्द प्रवाह योग्यता, ठीक है, इसके बाद स्मृति योग्यता, जैसे थॉर्नडाइक ने बताई थी स्मृति होना चाहिए, स्मृति योग्यता, ठीक है, इसके बाद कौन सी, प्रत्यक्ष योग्यता, प्रत्यक्ष नहीं था वहां पर, शब्द प्रवाह, वही शब्दों जैसी चीज है, प्रत्यक्ष यानी कि किसी भी चीज के बारे में, यार ये काम की चीज है या नहीं काम की चीज है, प्रत्यक्ष नजर आनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप से काम करो, क्रिया करो, तब आपका मजा आता है किसी चीज को करने में, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था किसने, थर्स्टन और केली ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया, तो लिख लीजिए आप इसको, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्थानिक योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, स्मृति योग्यता और प्रत्यक्ष योग्यता, ठीक है। इस तरह की बात होती है थर्स्टन एम केली ने। थर्स्टन केली और भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे ये बताते हैं थर्स्टन केली की जो भी मानसिक योग्यता, जो भी ये सारी मानसिक क्रियाएं होती है, वो जब दिमाग लगाएगा बालक तो वो कौन सा चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन के माध्यम से, कौन सा चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा। और कितने खंड बाद, 13 खंडों में विभक्त किए, कितने खंडों में विभक्त किया, 13 खंडों में विभक्त किया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, बुद्धि का समूह खंड, समूह तत्व, समूह कारक, प्राथमिक मानसिक योग्यता, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन एम केली ने। थर्स्टन एम केली ने मिक्स किया थॉर्नडाइक के सिद्धांत का, जैसे देखो मिक्स किया था ना, तो देखो आंकिक योग्यता मिक्स है, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्थानिक योग्यता, ये इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा, ये अपनी तरफ से जोड़ा, स्मृति और प्रत्यक्ष, ये दो चीजें अपनी तरफ से जोड़ी है इन्होंने, ठीक है। बाकी छह चीजें शब्द प्रभाव भी पहले थी, स्थानिक योग्यता इन्होंने जोड़ा, तो इस तरह से मिक्स किया और अपना सिद्धांत दे दिया। और इन्होंने बोला कि 13 कितने खंड होते हैं, 13 खंड होते हैं, समूह कारक, समूह खंड होते हैं। इन्होंने जो सक्रिय खंड बताए थे कि सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, वो 13 प्रकार के खंड होते हैं, और इनकी मदद से वो क्या हो जाता है, सफल होता चला जाता है। और जो भी बालक या जिस भी चिंतन करता है, बुद्धि का भी एक चिंतन किया जाता है, अमूर्त चिंतन, मैंने बताया था ना बुद्धि के प्रकार, आपको पढ़ाए थे मैंने कि अमूर्त चिंतन भी एक बुद्धि का प्रकार होता है, प्रकार बताए थे, अमूर्त चिंतन बुद्धि का प्रकार होता है, मूर्त चिंतन बुद्धि का प्रकार होता है, यांत्रिक चिंतन बुद्धि का प्रकार होता है। तो ये जितने भी सामाजिक चिंतन, ये क्या होते हैं, बुद्धि के प्रकार होते हैं, और इन्हीं से ही ये क्या करता है, चिंतन करता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, अपनी लाइफ में सफल होता चला जाता है। तो ये चिंतन कौन सा करेगा, अमूर्त चिंतन, किसके तरह, किसकी अकॉर्डिंग बताया, थर्स्टन एम केली ने इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है, 13 खंड इसमें बताए, ये होता है थर्स्टन एम केली का सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों आज आपको क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, क्लास में कोई कमी हो तो जरूर बताएं, आपको क्या पसंद है वो भी जरूर बताएं, क्या कमियां नजर आ रही वो भी बताएं मुझे। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, आप इसी तरह प्यार बनाए रखें, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, राम राम।